हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीतास क्रिएटिव वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बेबी शावर की डेकोरेशन आइडिया, जिसे आप अपने घर पे ही बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं बेबी शावर के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये डेकोरेशन आइडिया पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डेकोरेशंस के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉइल कर्टन। ये फॉइल कर्टन आपको किसी भी डेकोरेशन शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी या फिर इसे आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और इसकी जो प्राइस है अराउंड 50 to 60 रुपीज़ है। आपको ये मल्टी कलर्स में मिल जाएगी। सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ पिंक कलर के कर्टन का और इसे स्टिक करने के लिए आपको यूज़ करना है मास्किंग टेप। आपको दोनों कॉर्नर पे मास्किंग टेप स्टिक कर लेना है और इसी तरह मैं ब्लू कलर के कर्टन पे भी मास्किंग टेप को स्टिक कर लूँगी। सो टोटल यहाँ पे मैंने 2 कर्टन का इस्तेमाल किया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दोनों कर्टन को इस तरह से वॉल पे स्टिक कर देना है और दोनों को स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का ही इस्तेमाल किया है। और फ्रेंड्स, अब मैं लूँगी ब्लू एंड पिंक कलर के बलून्स और बलून्स को फुलाने के लिए पंप। यहाँ पर मैंने 25 से 30 ब्लू एंड 25 से 30 पिंक कलर के बलून का इस्तेमाल किया है और इस तरह से आपको सारे बलून्स को फुलाना है। अब आपको इसका बनाना है बलून्स आर्च, जिसके लिए आपको यूज़ करना है इस तरह के बलून्स आर्च मेकिंग स्ट्रिप। ये भी आपको आसानी से शॉप में या फिर ऑनलाइन दोनों साइड में मिल जाएगी। सो इसके अंदर 2 होल बने होते हैं, तो आपको सबसे पहले बड़े होल में बलून्स को इस तरह से डालना होता है और छोटे होल की तरह शिफ्ट करना होता है, जिससे ये इसके अंदर लॉक हो जाता है। सो इसी तरह 1 by 1 आपको सारे बलून्स को इसके अंदर अटैच कर लेना है। और मैं ये पूरी स्ट्रिप जो है वो आपको 5 मीटर की मिल जाएगी, जिसमें से मैंने 2.5 मीटर ब्लू कलर के बलून्स और 2.5 मीटर में पिंक कलर के बलून्स को इस तरह से अटैच कर लिया है, जिससे मेरा बहुत ही आसानी से बलून्स आर्च बन गया है और आपके लिए भी बहुत ही इजी होगा ये बलून्स आर्च रेडी करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हमारा बलून्स आर्च काफ़ी अच्छे से बन गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये बलून्स आर्च को हम लगाएंगे वॉल पे, और वॉल पे हैंग करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह की स्ट्रिप। आप किसी भी रिबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप थ्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से इसे मैंने बारीक कट कर लिया है 3 पार्ट में, और इस स्ट्रिप के ऊपर लगाएंगे हम ट्रांसपेरेंट टेप। आपको ट्रांसपेरेंट टेप को इस तरह से स्टिक करना है और इसे वॉल पे लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बीच में और दोनों साइड में एक एक स्टिक कर लिया है, जिसकी हेल्प से हम इस पर बलून्स आर्च हैंग करने वाले हैं। अब मैंने तीनों भी स्टिक कर लिया है वॉल पे और अब हम रखेंगे इसके ऊपर बलून्स आर्च। तो सबसे बीचों बीच आपको पहले हैंग कर लेना है इसको बलून्स आर्च को, और किसी भी एक बलून्स को पकड़ के आपको इस रिबिन को चारों तरफ से घुमा लेना है। उसी तरह साइड पे भी आपको किसी भी एक बलून्स को पकड़ के इस रिबिन को उसके आगे पीछे से घुमा लेना है, जिससे ये अच्छे से हैंग हो जाएगा। सो इसी तरह आपको तीनों रिबिन पर इस बलून्स को लपेट लेना है और इसे अच्छे से हैंग कर लेना है, जिसकी हेल्प से ये देखो इस तरह से सेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपके वॉल पे स्क्रू ना हो तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम ओपन करेंगे ये बेबी शावर के स्टिकर्स, और ये आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह पे मिल जाएगा ये सेट। और इसमें अराउंड आपको 16 पीसेस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको क्यूट क्यूट से बेबी शावर्स के स्टिकर्स मिल जाएंगे, और जिसका इस्तेमाल करके आप डेकोरेशंस को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। सो अब इन्हें हम वॉल पे स्टिक करेंगे, और इसे स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये ट्रांसपेरेंट टेप। आप इसके जगह पे मास्किंग टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस तरह से फोल्ड करके इसके पीछे स्टिक कर लेना है और इन स्टिकर्स को 1 by 1 आपको वॉल पर लगा लेना है, या बलून्स के ऊपर भी स्टिक कर सकते हैं इसे रेंडमली। सो मैंने सारे पिंक कलर के स्टिकर्स को मैंने पिंक कलर के बलून्स के ऊपर और ब्लू कलर के स्टिकर्स को ब्लू कलर के बलून्स के ऊपर स्टिक कर लिया है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहिए तो इन स्टिकर्स का यूज़ करके आप फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बेबी शावर के, और या आप इन्हें वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इन सारे स्टिकर्स के एंड डेकोरेशंस के आइटम्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप अमेज़ॉन से भी इन्हें परचेस कर सकते हैं या आप किसी भी बर्थडे शॉप से भी इन्हें बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अंडर बजट है। सो आई होप आप सभी को ये डेकोरेशन आइडिया पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और अगर पसंद आएगी तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। या फिर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी मुझे
बोल सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको कोई और डेकोरेशंस सीखना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो में वो डेकोरेशन आइडिया मैं आपके साथ में शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये डेकोरेशन आइडिया पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी होगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।